हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड हमने अपने मैथ के चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, आज उसी का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम को कवर करेगा। फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे CGL, CHSL, MTS, रेलवेज एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इस सेशन में फ्रेंड हम आपको जीरो टू हीरो कंसेप्ट के जितने भी मेथड हैं, बहुत इजी मेथड से हम आपको ये चैप्टर करवाएंगे। आप अगर ध्यान से समझें तो आप इजीली इसको 30 सेकंड में बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक मिश्र धातु दिया हुआ है जिसमें जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 में है। दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। ये देखिए, फर्स्ट में 1:2, दूसरे में 2:3, ठीक है। दोनों मिश्र धातु को यानी दोनों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास अनुपात आ जाता है 5:8, यानी जो मिलाते हैं। तो हमको पता करना है कि नया मिश्रण बनेगा तो उसका अनुपात क्या होगा। रिजल्ट हमारे पास 5:8 आ गया है, पर लेकिन हमारा नया मिश्रण क्या बनेगा ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ कॉपर जिंक लिख लेंगे। यहाँ पर ये लिख लीजिए, मान लीजिए, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ए और बी सी लिख लीजिए। यहाँ पर इसलिए क्यों लिखवा रहा हूँ बता दूंगा मैं, क्योंकि नाम दे दिया मैंने, पहला मिश्र धातु ए, दूसरा बी, तीसरा मिश्र धातु जो बनेगा रिजल्ट आएगा हमारे पास सी होगा, ठीक है फ्रेंड। को ऊपर लिख लीजिए कॉपर और जिंक की बात कर रहा है दो मिश्र धातु का, तो कॉपर जिंक यहाँ लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ जिंक लिख लेते हैं, यहाँ कॉपर लिख लेते हैं। जिंक का देखिए क्या है, जिंक का 1 है और कॉपर का 2 है, तो यहाँ 1:2 हो गया, ठीक है फ्रेंड। और इसी तरह दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर क्या है, 2:3 में है, तो जिंक यहाँ 2 हो गया, कॉपर क्या हो गया, 3 हो गया ना, ठीक है फ्रेंड। अब चलिए देखिए क्या बोल रहा है, जब नया मिश्र धातु बनता है तो उसमें 5 और 8 का बनता है, यानी जिंक 5, यहाँ 5 लेते हैं, और कॉपर क्या 8, ये आ गया फ्रेंड। अब देखिए टोटल लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए जिंक और कॉपर को मिलाएंगे तभी जाके एक टोटल मिश्र धातु बनेगा। एक मिश्रित धातु बनाने के लिए दोनों को मिलाते हैं जब जिंक और कॉपर को, तो टोटल ही बनता है ना, तो इसलिए हम यहाँ टोटल लिख दिए। तो 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, 3 आ गया, और 2 और 3 को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 और 8 को ऐड कीजिए तो 13 आ जाएगा, ये हमारे पास फ्रेंड आ गया टोटल, ठीक है फ्रेंड। अब इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसका एलसीएम आप ले लीजिए, इसका एलसीएम देखिए कितना आएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर किसी कोई भी कॉमन नंबर तो जाएगा नहीं, तो 5 या 15 को 13 से गुना कीजिए कितना आएगा बताइए फ्रेंड। हम यहाँ लिख के बताते हैं आपको, मैं ए बी और सी का, तो आपके पास आपको पता है कि कितना अनुपात था कॉपर जिंक और कॉपर का, तो कितना था फ्रेंड, 1:2, 2:3, 1:2, 2:3 और क्या था, 5:8, ये हमारे पास था, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे पास अनुपात में था जिसका टोटल हम निकाल लिए थे 3, और यहाँ पर आ गया था 5, यहाँ पर आ गया था 13। हमारा एलसीएम जो आया था फ्रेंड वो था 195, तो यहाँ मैं 195 लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, 195 लिख दिया एलसीएम। अब फ्रेंड देखिए क्या होगा, जब हम इसे क्या करते हैं, इसको 195 को सामने रख लेते हैं। अब तीन को डिवाइड कीजिए 195 से, आपके पास आएगा 65, ठीक है, जो 65 आएगा। अब क्या कीजिए, 65 को आप लिखिए ऐसे, एक 65 को आप देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आप क्यों 65 लिखिएगा। जब आप 3 को गुना कीजिए, कोई भी सीरीज आप ले लीजिए, ये वाला सीरीज ले लीजिए इस साइड का वाला, चाहे आप इस साइड का सी वाला कॉपर का लीजिए या जिंक का लीजिए, आप कोई भी लीजिए, एक लीजिए लेकिन आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों लीजिएगा, एक लीजिएगा, जिंक लीजिएगा तो जिंक वाला सब लेना पड़ेगा, तो सब सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कॉपर लीजिएगा तो कॉपर का भी आप कीजिएगा सॉल्व, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिंक का ले लेते हैं। तो जब 3 को डिवाइड करेंगे 195 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास आएगा 65। 65 को फिर क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे, यहाँ क्या आ गया, 65 आ गया, 65 लेते हैं, क्योंकि 3 को जब गुना हम किए तो हमारे पास 65 आया है, 3 को डिवाइड किए, 3 को 3 से डिवाइड किए हैं 195 को, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 65 लिख देंगे, 65 आ जाएगा।
तो पता लग गया 65 कैसे आया, तो हम क्या करेंगे यहाँ 65 से गुना कर देंगे। तो हम इसी तरह क्या करेंगे, हम पहले सबको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको इरेज करके उसके बाद करेंगे। तो फिर देखिए फ्रेंड, जो 5 से डिवाइड करेंगे 195 को, तो हमारे पास 39 आएगा। यहाँ 39 लिख लीजिए। अब फिर आप क्या कीजिएगा, 13 से डिवाइड कीजिएगा 195 को, तो हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड, 15 आ जाएगा। यहाँ 15 लिख लीजिए आप, आ गया। अब फ्रेंड क्या करें, मैं इरेज करता हूँ, आपको याद रखिएगा, यहाँ 65 आया है, यहाँ 39 आया है, यहाँ 15 आया है। अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड क्या था, हमारे पास एक था, ए की वैल्यू यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ 65 लिख लेंगे। फिर हमारे पास दूसरा कितना आया था फ्रेंड, 39 आया था। 39 को जब हम गुना करेंगे 2 से, इसे 2 से गुना करेंगे, तो हमारे पास 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब फिर हम 15 को गुना करेंगे 5 से, तो 75 आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ 75 लिख लीजिए। ये है कॉपर का, ये है जिंक का। अब इन दोनों को, 65 को 75 में से घटा दीजिए तो 10 हो जाएगा, 78 में से 75 घटा दीजिए 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:10। आई होप आपको समझ आया होगा, एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए फ्रेंड क्या होता है कि जब भी आप इस टाइप का आप लीजिएगा, तो इसमें क्या है, एक इधर देखिए एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, मतलब जो सेंटर में लेते हैं, यहाँ जो लेंगे तो दोनों में से दोनों के बीच आना चाहिए, यानी छोटे से बड़ा हो थोड़ा, और बड़े से ये छोटा होना चाहिए। समझ आ रहा है ना कैसे बोल रहा हूँ, कि दोनों हम जब लेंगे तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, यानी एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए बीच वाला। तो फिर उसके बाद हम घटाते हैं, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 3:10 आंसर आ गया फ्रेंड हमारा। चलिए हम देखते हैं हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है फ्रेंड, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड, एक जग में द्रव ए और द्रव्य का अनुपात 4:1 है। 10 लीटर का मिश्रण को निकाल कर फिर 10 लीटर द्रव भी डाला जाता है। यहाँ 10 लीटर बी आएगा, यहाँ पर बी का, बी में यहाँ मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड, यहाँ बी होगा, यानी बी वाले में जो बी वाला जो द्रव है उसमें 10 लीटर डाला जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए क्या हो रहा है, एक जग है, दो जग है जिसमें ए और बी तरह के दो मिश्रण है, एक जग में दो मिश्रण है ए और बी 4:1 में, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर 10 लीटर द्रव डाल दिया जाता है। तो बताना है कि हमारे पास जो आएगा अनुपात, तो 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में यानी शुरू शुरू में स्टार्टिंग में ए की मात्रा बताना है कि एक का कितना मात्रा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ ए और बी लिख लीजिए, सबसे पहले आप ए बी लिख लीजिए, लिख लिए। अब ए और बी का देखिए 4:1 है, 4:1 लिख लेते हैं हम। अब देखिए क्या है, 10 लीटर के मिश्रण को निकाल कर 10 लीटर द्रव डाला जाता है, यानी 10 लीटर टोटल यहाँ कर लीजिए, पहले टोटल लिख लीजिए, यहाँ पर 10 आ, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा में भी लिख लेता हूँ मैं, 2:3 है, यहाँ टोटल 5 आ गया, इसका भी टोटल 5 आ गया। यानी कहने का मतलब, जब 10 लीटर एक बार निकाल लिया था इसमें, शुरू स्टार्टिंग में ही 10 लीटर निकाल दिया, सेकंड टाइम में 10 लीटर मिला दिया, तो भी जो हमारे पास मिश्रण बनता है लास्ट में, दोनों में 5-5 ही बनता है, यानी मतलब टोटल 5 ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन फ्रेंड एक गौर करने वाली बात है कि देखिए क्या है, बोल रहा है कि जो इसमें से टोटल 10 लीटर निकाल लिया, लेकिन 10 लीटर इसमें मिलाया, दूसरे में मिलाया है, तो बी का मिलाया है, इसमें मिलाया है, यानी ए की वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए, ए की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी का मिलाया है तो ए की वैल्यू सेम रहता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का बराबर कर देंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तब जाके ए की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो आपको पता लग गया कैसे, ए और बी का कितना आया था, तो 4:1 था ए और बी का, तो 4:1 लिख लीजिए, यहाँ पर 2:3 था। तब देखिए फ्रेंड क्या है, जब ये है तब गुना इसको बराबर कर लीजिए, बराबर कर देंगे हम, तो क्या होगा, यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, आ गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड क्या होगा, अब देखिए क्या, अभी गौर करने वाली बात है फ्रेंड, यहाँ पर 6 होगा, सॉरी यहाँ 6 आएगा, क्योंकि 3 है ये, तो 6 होगा, तो 6 हो गया फ्रेंड। अब इसको देखिए क्या, कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 से 6 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ 5 क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 के बराबर रख लेंगे, 10 को काट दीजिए, तो हमारे पास 2 आ गया। तो आपको पता लग जाएगा 5 को 6 और 6 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना।
अब पाँच को हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी तो 10 लीटर मिलाए थे द्रव्य में ना, तो द्रव्य का हम 10 लीटर बराबर रख लेंगे पाँच के, तो एक कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट कितना, 2 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल यूनिट कितना था, 5 यूनिट था। बी में कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो टोटल यूनिट कितना हो गया हमारे पास, 5 × 2 = 10 हो गया। 10 लीटर पानी मिलाया दिया आया था, ठीक है फ्रेंड, ये आ गया आपको। अब देखिए क्या हुआ, अब फ्रेंड देखिए कि अब 10 लीटर पानी निकाल भी तो लिया था ना, तो इनिशियली हमसे पूछा कितना कब किया है, ए का जो इनिशियली ए में कितना द्रव था इनिशियली शुरू स्टार्टिंग में, तो 10 लीटर पानी तो निकाल लिया गया था, उसको ऐड कर देंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ 10 लीटर ऐड कर दीजिए, 10 + 10 कितना होगा, 20 हो गया, 20 आप याद रखिएगा। चलिए हम स्लाइड ले लेते हैं पीछे वाला, दिखाते हैं आपको। अब देखिए फ्रेंड यहाँ इरेज करता हूँ मैं, तो हमारे पास टोटल कितना 20 लीटर आ गया था। अब देखिए क्या हुआ, अब बोला है कि ए का पूछा है, तो ए का कितना 4 है, टोटल कितना है 5, तो 4/5 कर दीजिए इसको आप, 4/5 × 20, 5 × 20, 4 × 16। आई होप आप समझे होंगे कैसे, मैं बताता हूँ एक बार फिर से, जैसे 4/5 कैसे आया, देखिए हमसे पूछा है ए की मात्रा बताएं, ए की मात्रा, तो ये हमारे पास 4 है, लेकिन 4 किस में से है, टोटल में से है, टोटल कितना है 4 × 5, तो 5 लिख लिए, 4 × 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो यहाँ 5 लिखा गया। और हमारे पास क्या पूछा है कि ए का, तो ए का कितना है 4, तो 4 हो गया। हम 10 लीटर शुरू से निकाल लिए थे, 10 लीटर मिलाए थे, टोटल कितना द्रव हो गया 20 हो गया, तो 20 से हम गुना कर दिए, तो 5 × 20, 4 × 16, 16 हमारा आंसर हो गया फ्रेंड, ये हमारा आंसर रहा है। चलिए अपना हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, आई होप आप समझे होंगे। हमारा थर्ड प्रश्न है फ्रेंड, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर और टीन का अनुपात 2:3:1 है, दूसरी मिश्र धातु में कॉपर टीन और शीशे का अनुपात 5:4:3 है, यदि साथ पिघलाया कर, यहाँ पिघलाया जाता है, सभी को एक साथ पिघलाया जाता है, तो नए मिश्र धातु में, लेकिन नया मिश्र धातु बनता है, तो और नए मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार बताना है हमको। बहुत ही शानदार प्रश्न है फ्रेंड, समझने की देरी है बस, ये तो चुटकियों में हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए क्या बोला, जिंक कॉपर, यहाँ जिंक लिख लीजिए, यहाँ पर जिंक लिख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ जिंक लिख लीजिए, यहाँ कॉपर लिख लीजिए, यहाँ टीन लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड, ओके। तो यहाँ कितना 2:3 हो गया, 2:3 लिख देते हैं हम यहाँ पर, 2:3:1, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक मिश्र धातु है, दूसरा मिश्र धातु हम ले लेते हैं क्या, यहाँ ये इसके लिए मैं एल लिख देता हूँ, ठीक है, 5:4:3, इसको आप एल मान लीजिए, यहाँ एल है क्योंकि लेड है, शीशा है, ठीक है फ्रेंड, लेड बोलते हैं शीशा को, तो एल लिख दिया मैंने, ठीक है फ्रेंड। अब क्या कीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कीजिए, कितना होगा, 2:3:1, 5:1:6 हो गया, इसको ऐड कीजिए कितना बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। लेकिन क्या कह रहा है कि इनको, ये आ गया, यदि साथ पिघलाया जाता है तो नए मिश्र धातु बनता है, तो इनको कह रहा है साथ पिघलाया जाता है, एक साथ पिघलाया जाता है, इनकी जो मात्रा है बराबर कर देगा, तो आप क्या कीजिए इसकी मात्रा को बराबर कर दीजिए, 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, तभी यहाँ 12 बनेगा ना, 2 से गुना होगा, तो सबके साथ 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ 4, 3, 4, 6, 10, 10, 2, 12 है ना, 2 से गुना कीजिएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, टोटल क्या हो गया 12 हो जाएगा, तो 12 हो गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12, तो 12 लिख लीजिए, टोटल यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया, कितना यहाँ पर 12 लिख देता हूँ मैं, यहाँ कितना कैसे था 2 6 4 6 सॉरी 2 2 4 4 6 2, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, 5 4 3 5 4 3, ए और बी का था, इसका भी 12 आ गया। अब देखिए फ्रेंड क्या होगा, इसके बाद देखिए क्या होगा, अब हमसे पूछा लेड का पूछा है, तो टोटल आपके पास कितना मिश्र धातु हो गया, टोटल इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि कह रहा था कि दोनों को लास्ट में क्या करता है, पहले वाले को और दूसरे वाले को आपस में मिला देता है, यानी मिलाएगा तो क्या करेगा, ऐड करेगा, जोड़ेगा, टोटल आप इनको टोटल मात्रा को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा ना, तो 24 लिख लेते हैं यहाँ पर हम नीचे, 24 लिख देते हैं यहाँ साफ साफ, यहाँ पर मिटे कर, यहाँ 24 लिख देते हैं फ्रेंड, 24 हो गया, टोटल 24 हो गया। कितना लेड है, 3 लेड है हमारे पास, यानी 3 किलो ही है ना, इसको काट दीजिए, 1/8 kg आ गया, यानी 8 किलो में ग्राम, 1 किलोग्राम क्या होगा हमारे पास, शीशा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है फ्रेंड, देख लीजिए, हमारे पास ऑप्शन बी ऑप्शन है, जिसका आंसर है 1/8, यह हमारा आंसर रहा फ्रेंड। आई होप आप समझे होंगे,
ठीक है। तो चलिए हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। बहुत ईजी, बहुत शानदार है, तो ये तो मतलब क्या बताऊँ आपको, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन है कि पूछिए मत। चलिए आपको बता रहा हूँ मैं सॉल्व करके, देखिए क्या कह रहा है। लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रतिवर्ष के आधार पर पैसे उधार देता है, यानी जो रेट है इंटरेस्ट रेट वो 5 और 8 है। भाटिया अरुण का 5 है, भाटिया का 8 है, लेकिन साल भर, एक साल जैसे ही बीतता है तो उसका जो मतलब उनसे जो ब्याज वसूलता है तो उसका एवरेज निकालता है, तो 6 आता है ना। तो 6 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अर्जित करता है, तो बताना भाटिया को किस अनुपात में पैसे उधार दिए थे। तो देखिए कैसे होगा, मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि क्या करना है कि जो बीच वाला होता है, बीच वाला जो लिखते हैं हम, वो 1 से 12 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ लिखता हूँ अरुण, यहाँ लिखता हूँ भाटिया। अरुण का कितना 5% है, भाटिया कितना है 8 है, अर्जित कितना करता है 6% के हिसाब से। अब इसको घटा दीजिए कितना आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। दैट्स इट आंसर है, यह हमारा आंसर है फ्रेंड, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो कितना ईजी है, देखिए 2:1 हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा प्रश्न है, 2 बर्तन ए और बी में अमल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। यहाँ पर लिखता हूँ अमल ए, ये लिखता हूँ, यहाँ पानी है तो वाटर डब्लू लिखता हूँ मैं। देखिए अमल का कितना है 4:3 है, और हमारे पास जो पानी है उसका 2:3 है, ठीक है 2:3 है। अब क्या कह रहा है कि इनको, चलिए अब कह रहा है कि किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाता है कि इनका आधा आधा, आधा अमल आधा पानी हो जाता है। तो फ्रेंड आप इस चीज़ को समझने के लिए देखिए, ध्यान देखिए, ए बी लिखा गया यहाँ पर, कितना वैल्यू था ए बी का, ए बी का वैल्यू था हमारे पास 4:3 2:3। और फिर बोल रहा था लास्ट में कि इनको किस अनुपात में लाया जाता है कि आधा अमल आधा पानी दिया जाता है। तो आधा देखिए यहाँ पर साइड में लिखता हूँ मैं, आधा का मतलब होता है आधा, अमल लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ वाटर आधा 1/2 1/2, ये हो गया। अब बताइए फ्रेंड, जब रेशो में होता है 1/2 1/2 एक दूसरे सामने होते हैं तो कट जाते हैं, तो हमारे पास 1:1 का रेशो बच जाता है। जब भी समान संख्या में कोई चीज़ दी होती है तो उसको हम ओवी रेशो में उसको हम काटते हैं तो 1:1 आ जाता है, 1:1 के बराबर आ जाता है, समान हो जाता है। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर समान, यानी 1:1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में मिलाता है तो 1:1 हो जाता है, ये हो गया ठीक है फ्रेंड। अब इनको टोटल ऐड कर लीजिए आप, कितना होगा यहाँ 7 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा। और इसका एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 70 आएगा। 70 को अब 7 से गुना की 70 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 10 आएगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि गुना हो जाता है, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ 10 लिख लीजिए। और फिर 70 को 5 से डिवाइड कीजिए तो आपका 14 आएगा, यहाँ 14 लिख लीजिए, 14 लिख लीजिए। फिर 70 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 35 आएगा, यहाँ 35 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए, यहाँ पर गुना कीजिए 14 से, यहाँ गुना कीजिए 35 से, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अभी रेज करता हूँ, 10 चौका 40 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारे पास अमल और वाटर का, यहाँ 40 हो गया, यहाँ पर कितना आया था फ्रेंड, तो यहाँ 28 हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास कितना था 35 आया था 35। अब देखिए मैंने कहा था ना कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, 28 से बड़ा है 40 से छोटा है। अब इसको घटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 7, यहाँ आ जाएगा 5। तो अपना आंसर बन गया ये 7:5 जो कि हमारा आंसर है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको हमारे पास ऑप्शन कौन सा है। 7:5 का ऑप्शन हमारा एज करेक्ट आंसर, दैट्स इट फ्रेंड। तो क्या टफ है फ्रेंड, इतना ईजी है करना, बहुत ईजी है ना। तो फ्रेंड ये सब प्रश्न जो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, इनको करने में टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है करने में, लेकिन समझाने में टाइम लग रहा है बस आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फ्रेंड आप फिर से वीडियो रिपीट करके देखिए, बिल्कुल समझ आएगा, बहुत ईजी वे से कराया है मैंने। फिर भी कोई डाउट है तो फ्रेंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इसका जवाब मैं आपको दे दूँगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप
आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अपने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।